गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास थर्ड के बच्चे। आज हम पढ़ेंगे लेसन फाइव व्यंजनानी। कौन कौन से व्यंजन वर्ड हैं इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो व्यंजन कितने होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं 33, 33। क क से कपोतह, कबोतह मीन्स कबूतर। ख ख से खगह, खगह मीन्स पक्षी। ग ग से गजह, गजह मीन्स हाथी। घ घ से घटह, घटह मीन्स घड़ा। अंग अंग मंगलम, अंग का मतलब होता है मंगलम। जब हम मंगलम लिखते हैं उसमें हम अंग का प्रयोग होता है। और इसमें एक विशेष बात है कि घट को संस्कृत भाषा में पुल्लिंग माना जाता है। घट मीन्स घड़ा, तो घड़ा को संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है। च च से चटका, चटका मीन्स चिड़िया। छ छ से छाग, छाग मीन्स बकरा। ज ज से जलेजम, जलेजम मीन्स कमल। झ झ से झसह, झसह मीन्स मछली। इय संस्कृत में झस शब्द को पुल्लिंग माना जाता है। जैसे झसह मीन्स मछली होता है, तो मछली को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन संस्कृत में मछली को पुल्लिंग माना जाता है, झस को। ट ट मीन्स टंकम, टंकम मीन्स कुल्हाड़ी। ठ ठटख, ठटख मीन्स ठठेरा। ड डैनम, डैनम मीन्स डोली। ढ ढौकनम, ढौकनम मीन्स उपहार। ओके, आया समझ में? तो आपको आज हम पढ़ लिए हैं क से लेके ढ तक। एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं। क जैसे आप हिंदी में क ख को पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में होता है बेटा। क क से कपोतह, कपोतह मीन्स कबूतर। ख ख से खगह, खगह मीन्स पक्षी। ग ग से गजह, गजह मीन्स हाथी। घ घ से घटह, घटह मीन्स घड़ा। अंग च च से चटका, चटका मीन्स चिड़िया। छ छ से छाग, छाग मीन्स बकरा। ज से जलेजम, जलेजम मीन्स कमल। झ से झसह, झसह मीन्स मछली। आप लोग को बताया गया है कि जो मछली है वो पुल्लिंग में होता है। इया इया ट से टंडकम, टंडकम मीन्स कुल्हाड़ी। ठ से ठटका, ठटका मीन्स ठठेरा। ड से डैनम, डैनम मीन्स पालकी। ढ से ढोकनम, ढोकनम मीन्स उपहार। आप इनको अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं वर्ड में लिख के भेजूंगी, और वो अपनी कॉपी में लिख के उसको बेटा लर्न करना है। ओके।